नमस्ते, मैं हूँ सौरभ। मैं भी सौरभ हूँ। हमारे जमाने में सौरभ इतने थोक में नाम धरे जाते थे कि क्लास में थूको तो सौरभ पे गिरे। पांच सौरभ थे, मेरे कहा तीन थे। तीन सौरभ, सौरभ त्रिपाठी, सौरभ भाटिया, सौरभ अधिकारी। बहुत बढ़िया। चुनाव के अधिकारी तो हमारे ये सौरभ त्रिपाठी जी हैं, जो मध्य प्रदेश में कमान संभाले हुए थे। मध्य प्रदेश की एक सीट खासी दिलचस्प थी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का एक कद्दावर नेता रहा, सांसद रहा, विधायक रहा, मंत्री रहा, नेता चुनाव मैदान में उतरा था, निर्दलीय उतरा था, जीतने के लिए नहीं उतरा था, हराने के लिए उतरा था। उसको सिर्फ 1000 वोट मिले और 1000 वोट में उसने अपना मकसद पूरा कर लिया और 6 बार के विधायक और शिवराज की सरकार में वित्त मंत्री जयंत मलैया का बिस्तरा गोल कर दिया। क्या है कहानी दमोह की? बिल्कुल ठीक बात है, 7 बार से विधायक थे ऐसा माना भी जा रहा था इस बार। 7 बार की, मैं 6 बार बोल गया था। 7 बार तो ऐसा माना भी जा रहा था इनका टिकट इस बार कटना था जयंत मलैया, मगर इन्होंने प्रतिष्ठा लगा कि नहीं हमें टिकट चाहिए। तो रामकृष्ण कुशवाहा इस बात से बड़ा नाराज हुए, वो भी दावेदार थे और उनका दावा रामकृष्ण कुशवाहा और बाबा हाँ, उनको बाबा बोलते हैं लोग वहाँ पे। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमको टिकट नहीं मिला मगर इस आदमी को मैं हरा के मानूंगा, यही उनका मकसद जयंत मलैया। और जो उन्होंने पूरा भी कर दिया, करीब 798 वोटों से वो जयंत मलैया हारे हैं और उनको करीब 1000 वोट मिले। मगर एक चीज और है जी, राहुल सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट जो जीते, हाँ जो जीते हैं, अगर मैं वहां पे आप इलेक्शन की टैली देखे रिजल्ट की, तो उसमें 3 नाम राहुल और हैं। अच्छा, हाँ, एक राहुल सिंह करके, एक राहुल यादव करके हैं, एक राहुल भैया करके हैं। हाँ, तो कंफ्यूज करने के लिए काम किया गया और उन्होंने वो ज्यादा कंफ्यूज हुए वोटर, 3500 वोट करीब मिले उन तीनों का जोड़ दिया जाए। अच्छा, तो अगर मतलब देखा जाए कि ये इतना अंतर, इतना करीबी अंतर था, वो उनके नुकसान था। अगर उनको 1500 वोट और मिल जाते तो शायद जयंत मलैया जिस मकसद, इसीलिए लास्ट राउंड तक जयंत मलैया आगे भी चल रहे थे 2400 वोट से। और एक बात की चर्चा और बहुत थी, जब राकेश सिंह ने वहां पे अपना पर्चा दाखिल किया था, तो राकेश सिंह, राहुल सिंह ने जी, तो जयंत मलैया की तरफ से 16 गलतियां उसमें निकाली गई और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक बकायदा नोट दिया कि इसमें 16 कमियां हैं। अच्छा। तो इसके लेकर बड़ी चर्चा रही कि क्या जयंत मलैया पहले ही से हार मान बैठे हैं, इतने बड़े नेता पहली बार कोई चुनाव लड़ने जा रहा है उसके खिलाफ 16 आपत्तियां लगा रहे हैं। यंग लड़का लग रहा है ये तो। हाँ, ये वहाँ के राज परिवार से आते हैं। अच्छा, तो इसको लेकर उनकी पकड़ है, लोग उनको जानते पहचानते थे। मुद्दे क्या थे दमोह में? मुद्दे सर बहुत थे। सबसे पहला मुद्दा तो अगर आप देखें तो मंत्री जी भ्रष्टाचार के बड़े आरोप थे। अच्छा। दूसरी थी कि एक वहाँ भी बड़ी चर्चा थी कि बस स्टैंड, बड़ा एक मुद्दा वहाँ पे बस स्टैंड शहर के बीचों बीच, बड़ा जाम वगैरह लगता, तो बाहर जाना था, तो पहले उसकी जगह किसी और जगह आवंटित हुई थी कि यहाँ बस स्टैंड जाना है, जहाँ पे किसी को आपत्ति नहीं थी। मगर बाद में पता चला मंत्री जी ने अपना वीटो लगा कर, ऐसा उनके विरोधी कहते हैं, उन्होंने बस स्टैंड को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ पर चारों तरफ उनकी ज़मीनें हैं। ये इल्ज़ाम है, ये ऐसा इल्ज़ाम है, आरोप है। उसका रोजगार बड़ा मुद्दा था, बड़ा हर लड़का आप किसी से पूछ लीजिए तो रोजगार वाला मुद्दा। दूसरी शिकायत उनकी थी कि मेडिकल कॉलेज का वादा किया था नहीं। अच्छा। आया, इंजीनियरिंग कॉलेज का वादा किया था नहीं आया। तो जब हम लोग जो लाइव बहस कराते हैं तो उस दौरान भी बीजेपी इनके जो मेरे ख्याल से मीडिया जो देखते हैं, इनका मीडिया से देखते हैं, वो बोलने लगे कि मंत्री जी तो चुटकी बजाते तो मेडिकल कॉलेज आ जाए। तो मैंने उनसे कहा कि 7 बार से विधायक हैं, 10-15 साल से मंत्री, क्यों नहीं चुटकी बजाई? तो चुप रह गए थे। तो बड़ा मुद्दा यहाँ पे था, बड़ा मुद्दा था। कह रहे थे कि जो आप लोगों से बातचीत हुई थी सब जगह, ये कहते हुए वोट मांग रहे थे कि आखिरी चुनाव है। हाँ, आखिरी ही है अब। अब तो कंफर्म हो गया कि ये आखिरी ही था। हाँ। पिछला नतीजा भी आप देखें तो बहुत करीबी था, करीब 5000 वोट का अंतर था। और आप इनके 7 इलेक्शन अगर आप देखेंगे तो 200-300 वोट से भी जीते हैं एक बार, मतलब हर बार हमें बहुत ही कड़ा मामला रहता है। अभी बताते हैं। हाँ, मगर वहाँ के लोग इनके बारे में कहते हैं इनका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है इसलिए जीत जाते थे, मगर इस बार मैनेजमेंट नहीं चला है। राहुल नाम के सारे प्रत्याशी, हाँ, देखिए बिल्कुल सब ध्वस्त हो गया। 16 आपत्तियां लगाई गई, 3 राहुल नाम के एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़े किए गए, सब कुछ सारे मतलब जुगाड़ लगाए गए वहां पे भी। मतलब आप मध्य प्रदेश में जब जाएंगे तो ज्यादातर जो शहर है दमोह हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट का, तो आप देखेंगे 3 किलोमीटर में शहर खत्म हो जाता है। अच्छा। मतलब जयंत मलैया इतने बड़े नेता का शहर, और वहां पर अगर आप बेसिक एमिनिटीज देखेंगे तो उसके नाम पर बड़ी दिक्कत है। अच्छा, और आपने जब वीडियो भी किया था वहां जाके बातचीत भी, तब भी यही लिखा था कि सीट फंसी है। बिल्कुल सर, मैं जहां भी बात कर रहा था लोगों से, हाँ, तो कैमरे के सामने तो बहुत कम लोग बोले, क्योंकि छोटा कस्बा तो सब आदमी एक दूसरे को चेहरे से जानता है। हाँ। और वहां के जो व्यापारी थे या जो नए लड़के थे वो ये बात बोल रहे थे कि मंत्री जी के जो 7 लड़के रहते हैं तो उनका आभा मंडल है उससे बड़े बदमाश किस्म के लोग हैं। अगर आपने कुछ भी विरोध किया, कुछ उल्टा सीधा उनके बारे में लिख दिया, बोल दिया, तो अगले दिन सामने, तो ये खौफ वाली बात थी। हालांकि कुछ लड़के इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो बहुत बोले हैं, वो खर होकर बोले मेडिकल कॉलेज वाली बात, बस स्टैंड वाली बात, सब उन्होंने ठीक से बोली है। और जो गुस्सा नजर आया था हमको उस दौरान, वो बाद में जब
हुआ तो नजर भी आया। चलिए, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। इसीलिए तो लल्लन टॉप की टीम जमीन पर उतरती है बिना किसी पूर्वाग्रह के, पूरा कान लिए आपके बात को सुनने के लिए। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। अगर आपको हमारी पत्रकारिता, इलेक्शन की हमारी रिपोर्टिंग पसंद है, और ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें और Android ऐप जरूर डाउनलोड करें। शुक्रिया शुक्रिया।